राम राम सभी को। ये हमारी टाटा 1512 बस है जिसमें 60 का गियरबॉक्स है और इसकी क्लच जो है स्लिप हो रही है, गाड़ी चल नहीं रही है। क्लच छोड़ने के बाद भी गाड़ी जो है वहीं की वहीं खड़ी है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है वहाँ से। पूरा क्लच छोड़ दिया पर गाड़ी नहीं चल। दोस्तों गाड़ी के नीचे आ गया हूँ मैं, और गाड़ी के नीचे आके ये फ्लाईव्हील हाउसिंग के नीचे 12 नंबर के 4 बोल्ट हैं, इनको खोल के इंस्पेक्शन प्लेट को हटा लेंगे और फ्लाईव्हील को एक बार घुमाकर हम क्लच की कंडीशन देख लेंगे। ये इसकी क्लच प्लेट है और ये प्रेशर प्लेट है, इस टाइप की क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, और ये रिलीज बैरिंग है इसका 60 के गियर बॉक्स में, और ये प्रेशर प्लेट के ऊपर रिलीज बैरिंग इस तरह से सेट होता है ये। और इसमें जो दो नट हैं इसी की एडजस्टमेंट होती है। तो अब फ्लाईव्हील को घुमा लेंगे पेचकस से और यहाँ से हम सबसे पहले क्लच प्लेट की कंडीशन देख लेंगे, क्लच प्लेट की क्या कंडीशन है। क्लच प्लेट तो ठीक दिख रही है इसकी भाई, न्यूट्रल कर देना, न्यूट्रल, अरे गाड़ी न्यूट्रल कर देना, लेकिन इसमें गैप बहुत है। नॉर्मली इंगेज पोजिशन में रहता है हमारा क्लच तो दबी हुई रहती है, लेकिन ये देखो ये पूरी तरह हिल रही है और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये घूम भी रही है ऐसे ही पेचकस से घूम भी जा रही है, जबकि ये ऐसे नहीं होने चाहिए। इसका गैप जो है मतलब इसमें गैप आ गया है। अभी ये क्लच प्लेट डाले हुए कुछ 2-3 महीने मुश्किल से हुए हैं, मतलब ज़्यादा गाड़ी चली नहीं है, लेकिन पहाड़ी रास्ते की वजह से इसमें प्ले आ गई है। इसके थोड़ी सी पीछे, इंजन से थोड़ा पीछे गियरबॉक्स के नीचे ही हाउसिंग में ये 2 बोल्ट है 16 नंबर के, इंस्पेक्शन प्लेट है ये, यहाँ से हमारे को रिलीज बैरिंग दिखाई देगा। तो इसको खोल लेते हैं, एक नट को खोल के और एक को लूज करके हम इसको हटा लेंगे प्लेट को, जहाँ से हमें रिलीज बैरिंग दिखाई देगा। रिलीज बैरिंग में 2 नट हैं, एक तो परमानेंट फिक्स है जो रिलीज बैरिंग की साइड है, और जो दूसरा नट है वो क्लच प्लेट की साइड है, प्रेशर प्लेट की साइड यानी फ्लाईव्हील की साइड, वो जो है लॉक अनलॉक होता है, मतलब ये चूड़ी इसको हम चेक नट के टाइप से लॉक कर देते हैं, घुमा के कस देते हैं, इसको थोड़ा लूज कर लेंगे। और उसके बाद ये पीछे वाला जो इसके पीछे वाला जिसको मैं घुमा रहा हूँ, इसके पीछे वाला इसको हम उल्टी मतलब उल्टी चूड़ी उतारेंगे, मतलब इसको इसकी चूड़ी बढ़ा देंगे 2 mm या 1 mm 2 mm, अब इसकी मैं 2 mm या 2.5 mm वो कर दूँगा अपने, एक बार थोड़ा सा इसको घुमा के उसके बाद देख लेंगे। हाँ इसको ये जो मैंने अनलॉक कर दिया ना, इसके पीछे वाला है ये नहीं, हाँ यहाँ से अब इसको मैं ऊपर से ही चूड़ी इसकी उतार रहा हूँ। तो दो मतलब तीन चूड़ी चार चूड़ी इसकी उतारने के बाद इसका गैप बढ़ जाएगा। देखिए अभी ये मैं इसको लॉक कर रहा हूँ तो इसमें दिखाई दे रही होंगी आपको, करीब 3 या 4 चूड़ियाँ मैंने इसकी बढ़ा दी हैं, चूड़ी बढ़ा दी हैं तो गैप बढ़ गया यहाँ से, मतलब तो ये ज़्यादा प्रेशर अब ज़्यादा जो है जो इसकी क्लच प्लेट है उसमें जो है गैप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने ज़्यादा और धक्का 3 mm का और मतलब इसका गैप बढ़ गया है तो वहाँ गैप कम हो गया। तो दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। गाड़ी हमारी जो है तो गाड़ी चल पड़ी दोस्तों हमारी, और हमारी एडजस्टमेंट कामयाब रही। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं एडजस्टमेंट को, एक या दो बार बढ़ा सकते हैं। मुझे देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, राम राम।